सर आप हमारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं सर? अचानक से एक आदमी हमारे थाने में आता है, खुद को उस थाने का SHO बताता है, अपना ट्रांसफर लेटर हमारे हाथ में थमाता है और तब जाकर हमें पता चलता है कि अब हमारा महिला पुलिस थाना हमारा रहा ही नहीं। सर डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म किए बिना ये डिसीजन ले कैसे सकता है? मतलब आपको ऑर्डर्स नहीं मिले? बिल्कुल नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, आइए आइए। जैन जैन सर, मुझे तो ट्रांसफर ऑर्डर्स टाइम पे मिल गए थे ना, तो मुझे तो आना ही था। अब अगर पहले ही वहां पे कोई महिला थाना खुला है तो उसे तो बंद करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो नया थाना कैसे खुलेगा वहां? वही तो सर, वही हम भी कह रहे हैं, जब पहले से वहां पे थाना है तो कोई और थाने की काय जरूरत है? नहीं, हम अच्छे से उस एरिया को संभाल रहे हैं सर। क्या बताएं करिश्मा सिंह जी, आपको पता नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अब हमारा डिपार्टमेंट कहें तो हम सबका डिपार्टमेंट है, तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है ये कि जितना भी हो सके खर्चों में कटौती करेंगे। आपके महिला पुलिस थाने में इनका एक सामान्य थाना खोला जाए। अब देखिए सुनिए सुनिए, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि डिपार्टमेंट दो थानों के खर्च से बच जाएगी, है ना? और दूसरा फायदा हमारे लखनऊ शहर के स्त्री पुरुषों के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको एक ही थाने में महिला और पुरुष दोनों अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर अवार्ड नाम का एक झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा दिया ताकि इन सारी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाए? अरे नहीं नहीं मिस मलिक, क्या बात कर रही है, आपने तो एक से एक शौर्य गाथा लिखी है, एक से एक धुरंधर अपराधियों को धूल चटाया है। आपको जेन्युइनली अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। सर वो महिला पुलिस थाना है, महिला हमारे थाने में आती है ये सोचकर कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुनने के लिए महिला पुलिस अधिकारी अंदर होंगी। अब मर्द कैसे सुन लेंगे महिलाओं का समस्या, वो नहीं समझ पाएंगे ना जितना अच्छे से हम समझ पाते हैं उनको। माफ कीजिएगा सर, लेकिन महिलाओं की प्रॉब्लम सुनने और सुलझाने में हम पुरुष पुलिस अधिकारी भी उतने सक्षम और सेंसिटिव हैं जितनी की महिलाएं। सर एक बार चार्ज ले लेंगे तो शहर की सभी महिलाओं का भरोसा भी जीत लेंगे, और सर हमें नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से वहां महिला पुलिस थाना होना जरूरी है। सर ये गलत है सर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। नॉट फेयर इनके लिए नहीं सर, हमारे लिए है। मतलब हमें क्यों हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि हम पुरुष? एक्सक्यूज मी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप विक्टिम हैं। तो हमेशा औरतें विक्टिम हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। फील्ड में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनका क्या, नारी मुक्ति और औरतें ही सबसे आगे होनी चाहिए। तो आपने भी तो कहा था कि कितना यूनिक बंदा है, बच्चे भी संभालता है, गुंडों की धुनाई भी करता है, केक भी बनाता है, उसका क्या? वाह हम सब जानते हैं, क्या बात क्या बात। अरे आप लोग पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, तब तो सारा मसला ही खत्म हो गया। नहीं नहीं सर, मसला खत्म नहीं हुआ है, मसला जो है ना वो अभी शुरू हुआ है। एक बच्चे का डायपर बदलने से कोई मर्द औरत की जगह नहीं ले सकता है, महिला पुलिस थाने की जगह कोई और थाना नहीं ले सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अगर हम औरतों की जगह नहीं ले सकते तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, पूछिए इनसे क्या ये हमारी तरह मेल थाने में आने वाले हार्डकोर ब्रूटल क्रूशियल केसेस को हैंडल कर सकती हैं, पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना कर सकती हैं? हमने पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना किया है, बहुत अच्छे से किया है। हमने बहुत ही ब्रूटल और इनसेंसिटिव केसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाया सर, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं सर। हमें नहीं लगता कि वहां पर किसी भी और थाने की जरूरत है, वहां महिला पुलिस थाना था और वही रहना चाहिए। वहां ऑलरेडी मेरा थाना खुल चुका है मैडम, वहां मेरा ही थाना रहेगा। आप कुछ कहेंगे? हाँ हम बोल रहे हैं भाई, आप लोगों की समस्या का हल है हमारे पास, आप दोनों मिलके इस थाने को 3 महीना चलाएंगे। सर ये आप क्या मिस मलिक, पूछ नहीं रहे बता रहे हैं, अगर आप हमारी बात सुन लोगी तो आपके लिए ही अच्छा होगा। हम सब जानते हैं इन 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा केस सॉल्व करेगा उसे इस थाने का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आप दोनों मिलकर इस थाने की हर चीज शेयर करोगे, स्टाफ से लेकर SI करिश्मा सिंह तक। आज से इन्हें भी आप दोनों के ही ऑर्डर फॉलो करने होंगे और ये आप दोनों को रिपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कौन साबित करता है खुद को इस थाने का असली हकदार।
क्या हुआ मैडम सर? कर लीजिए जितना टाइम वेस्ट करना है, थाना तो अब हमारा ही रहेगा, क्योंकि अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वो तो वक्त ही बताएगा। क्या है ना, आप जैसे मौसमी बुखार बहुत आए और गए, लेकिन ये महिला पुलिस थाना यही था और यही रहेगा, और यहाँ की मैडम सर हम ही रहेंगे। करेक्शन, सिर्फ मैडम रहेंगी, क्योंकि सर तो अब आए हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.